कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है लखनऊ में। आज राहुल पहुंचेंगे जहां वो बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। राहुल गांधी सूबे के ताजा हालात को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी देंगे। तो विशाल रमाबाई अम्बेडकर मैदान में राहुल गांधी का कार्यक्रम शाम 4 बजे तक होगा। तो यूपी उद्घोष कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सवालों का जवाब भी देंगे। राहुल गांधी से पूछने के लिए करीब 50 सवाल तय किए गए हैं। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होना है और इसी को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या अगर कहीं कमियां हैं, क्या सवाल हैं, क्या समस्याएं हैं, इनको जानने की कोशिशें की जाएंगी राहुल गांधी की तरफ से। तो राहुल गांधी बूथ स्तर कार्यकर्ताओं से मिलकर राय जानने की कोशिश करेंगे। जो कार्यकर्ता राहुल गांधी से आज सवाल करेंगे वो पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और इस मौके पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर, प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहेंगे। अमिता पारुल हमारे साथ है। अमिता, क्या राहुल गांधी पहुंच चुके हैं? देखिए, राहुल गांधी का लखनऊ आने का समय करीब 3 बजे का है और ये कहा जा रहा है कि 3 बजे वो रमाबाई अंबेडकर पार्क में पहुंचेंगे और करीब 3 से 4 घंटे तक जितने कार्यकर्ता प्रदेश भर से आए हैं, करीब 50,000 कार्यकर्ता हैं जिनसे राहुल गांधी खुद मुखातिब होंगे। श्वेता, ये कहा गया है कि ये जो कार्यकर्ता है इनके सवालों का जवाब देंगे, तो एक सवाल जवाब सेशन इसे हम कह सकते हैं जिसमें राहुल गांधी मौजूद होंगे। कोशिश यही है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और वो कार्यकर्ता जो हमेशा से इस चीज की डिमांड मांग करते रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनसे किसी तरह का संवाद नहीं होता है, तो उसको दूर करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी लखनऊ में मौजूद होंगे और खुद 3 से 4 घंटे तक अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। चलिए अमिता, अपडेट हम लेते रहेंगे, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो राहुल गांधी तकरीबन 3 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उनके आगे क्या समस्याएं हैं। लगभग 50 सवाल तैयार किए गए हैं राहुल गांधी से पूछने के लिए।